दिल्ली देश की राजधानी, बड़े शर्म की बात है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा हिंसा हो जाना और लगभग 46 लोगों को मर जाना, इतने जो है कि घर मकान जमीन जायदाद जो धन दौलत का जो है रुपये पैसे की जो बर्बादी तबाही मचा देना, ये पूरे भारत के लिए जो है कि एक शर्मनाक बात है। तो ये डर बताता है नीतीश कुमार का कि वो कन्हैया कुमार के जनगण मन यात्रा से वो डरे हुए हैं। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार की रैलियों में लोगों का भीड़ जुटता गया, लोगों को सम्मान मिलता गया, आज नीतीश कुमार जी डर गए हैं और आने वाले अगले जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, नीतीश कुमार जी कहीं के नहीं रहेंगे, वो हार जाएंगे। देखिए, ये केजरीवाल जी का देर आए दुरुस्त वाला मामला था, लेकिन यदि ये विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से केजरीवाल जी पे आरोप लग रहा था कि कन्हैया को बचा रहे हैं, एक टुकड़े टुकड़े गैंग को बचा रहे हैं, एक देशद्रोही नारे लगाने वाले को बचा रहे हैं, तो केजरीवाल जी यदि विधानसभा चुनाव से पहले यह निर्णय लेते और कन्हैया कुमार की केस चलाने की जो है दिल्ली पुलिस को इजाज़त देते और अदालत में ये मुकदमा चलता, तो केजरीवाल जी के लिए बहुत बेहतर होता। परंतु विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब जो केजरीवाल जी ने इस मामले को आगे बढ़ाया है, तो अब ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल जी अब वो केजरीवाल नहीं रहे जो दिल्ली के लोगों की या दिल्ली के बेटा वाली बात करते थे। अब जो है कि वो एक सियासी पार्टी के सियासी नेता हो चुके हैं और वो जैसे देश के जो दूसरे सियासी दल जो है काम करती आई है, अब वो उसी नीति पे ये काम कर रहे हैं, पार्टी के मोदी शाह जी के। हाँ बिल्कुल, ये उसी तरीके जो देश की और अन्य पार्टियां हैं ये उन्हीं के नक्शे कदम पे अब अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, क्योंकि इनको तो अब ये तो फ्री हो गया कि 5 साल तक ये हिलने वाले नहीं हैं, समझ रहे। तो ये उसी नीतियों पे चलेंगे जो देश में अन्य नेता अपनी नीतियों पे जिंदगी चलाते आए। कन्हैया कुमार मात्र एक विकल्प है मोदी शाह से टक्कर लेने वाले, ये उनकी नीति के खिलाफ आवाज उठाएं। देखिए, कन्हैया कुमार इस देश का आने वाला एक भविष्य है, आज नहीं तो कल ये कन्हैया कुमार जो है अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को अदालत के अंदर जो है बड़ी होगा, साफ करेगा, और ये बड़ी खुशी की बात है। मैं केजरीवाल जी का बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है कि इस केस को चलाने की इजाज़त दी है। बरसों से कुछ छात्रों पे जो ये कलंक लगा हुआ था देश में रहते हुए, भारत में रहते हुए देशद्रोही का, तो हम समझते हैं अदालत में मामला बिल्कुल साफ होगा और इन लोगों के ऊपर से इस कलंक का दाग मिटेगा और ये सीना चौड़ा करके, सीना ठोक करके इस देश की जनता खड़े के सामने खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं भी भारत का बेटा हूँ, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे ये सियासी एक प्रपंड रचा हुआ था, ये सब साफ हो जाएगा, अदालत किसी की नहीं होती। बिहार चुनाव में कन्हैया का क्या योगदान? बिहार चुनाव कन्हैया, अब देखिए कि बिहार चुनाव आने से पहले आज जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के सुर बदल रहे हैं, अब देखिए कि भाजपा समर्थित सरकार में हो करके नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि राज्य में NRC नहीं होगा, CAA नहीं होगा, NPR नहीं होगा, NPR वही 2010-11 में जो हुआ था उसी तरीके से होगा। तो ये डर बताता है नीतीश कुमार का कि वो कन्हैया कुमार के जनगण मन यात्रा से वो डरे हुए हैं। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार की रैलियों में लोगों का भीड़ जुटता गया, लोगों को सम्मान मिलता गया, आज नीतीश कुमार जी डर गए हैं और आने वाले अगले जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, नीतीश कुमार जी कहीं के नहीं रहेंगे, वो हार जाएंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है और मैं यहाँ से भरोसा जताता हूँ देश को, जनता को। RJD है, JDU है, तमाम पार्टियों के आगे कन्हैया कैसे टिके? देखिए, तमाम पार्टियों के आगे कन्हैया नहीं टिकेगा, कन्हैया को इस देश के लोग टिकाएंगे, इस देश की जनता टिकाएगी, क्योंकि आज जितने भी पुराने राजनीतिक दल हैं जिन्होंने देश के साथ, देश की जनता के साथ उन्होंने भरपूर गद्दारी की है, उनका शोषण किया है, चाहे वो लालू प्रसाद की पार्टी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सपा बसपा इसकी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की ये पार्टी हो, इन लोगों ने जनता का शोषण किया है, इनमें परिवार
बार बार चलता आया है। अभी देखिए रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी, ये भी अपने बहुत जोर शोर से यात्राएं कर रहे हैं बिहार में। तो ये सब परिवारवाद वास्ते चल रहा है, तो जनता समझ गई है कि एक ही परिवार का वर्चस्व, जिस प्रकार से कांग्रेस को ख़त्म किया, आज देख रहे हैं कांग्रेस कहीं नहीं है, दिल्ली में न कहीं है, न विपक्ष में दिखाई दे रही। तो ये सब परिवारवाद के नतीजे हैं। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है बीजेपी और मोदी शाह के लोग बता रहे हैं अंडर में है, खुल के निर्णय नहीं दे पा रही है, देखिए क्या निर्णय कैसे न्यायिक होगा। बिल्कुल सही आपका कहना है। मैं एक चीज आपको यहाँ से कहना चाहूंगा कि भारत की सारी संपत्ति को कोई भी खरीद सकता है, बिक सकता है, लेकिन हमारे देश के उच्चतम न्यायालय को दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति न खरीद सकती है न वो बिक सकता है। हम मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया, वो कुछ भी हो जाए, ये सब थोड़ी सियासी मामले, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये हाई कोर्ट का मामला था कि इनका जो बदला गया है इनको, ये कुछ राजनीतिक उसमें रहा होगा, ये तो ऊपर जानते हैं उन लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट को तो मैं इस बारे में कहूंगा कि विश्व की कोई ताकत हमारे इस भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं खरीद सकता, भले ही उसकी न्याय प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो, थोड़ी उसको आलोचना भी लोग करें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को या सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया जाए या वहां बैठे हुए जजों को कोई खरीद ले। जिस तरह से कन्हैया का जनगण यात्रा था या गांधी मैदान में 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो रैली थी, क्या ये एक सबक है, एक करारा तमाचा है बीजेपी के? जी हाँ, ये सबक है उन नेताओं के ऊपर, देश के उन राजनेताओं के ऊपर जिन्होंने सत्ता के लोभ और लालच में देश की जनता का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। ये एक तरीके से बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि तमाचा ही है, जो इस तरीके से कन्हैया कुमार जनगण रैली निकाल ले, ये देश को जोड़ने की एक परिक्रमा चला रहे हैं कि देश हमारा एक हो, एक एकजुटता हो। हमेशा कन्हैया कुमार के किसी भी स्पीच में यही नारे लगते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में हैं भाई। फिर हमला क्यों होते हैं उनकी रैली में? देखिए हमला होते हैं, हमला करते रहते हैं लोग। देखिए इस देश में अलग अलग दिमाग के, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, यदि उनको कन्हैया कुमार पसंद नहीं आता वो हमला करते हैं, लेकिन उस हमला से कन्हैया विचलित भी तो नहीं होता। ये तो आप देखिए, वो तो कहता है स्वागत है आपका, आइए, आपका हम स्वागत करते हैं, आइए, आप हमसे पत्थर से मत लड़िए, हमसे बात कीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए, तर्क वितर्क कीजिए। इस देश तो तर्क वितर्कों से चलता है, हमले से नहीं चलता है, आक्रमण से नहीं चला है, क्योंकि आज हम जो है ना एक ऐसे भारत में हैं जहाँ के आवाज़ से यहाँ हुकूमत बदली जाती है। कैसे देखते हैं बिहार में चुनाव है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी ने जो वहाँ पर सत्ता है उन्होंने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया है कि NRC और NPR हम लागू नहीं करेंगे, क्या देखते हैं ये चुनाव से पहले एक जुमला है ये क्या है? देखिए जुमला वगैरह कुछ नहीं है, NRC हिंदुस्तान के अंदर लागू होगा, ऐसी बात नहीं है कि लागू नहीं होगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी ये लागू होगा, आज नहीं कल लागू होगा। चुनाव के बीच में, चुनाव जीतने के लिए नेता अलग अलग बयान देते रहे, तो गुमराह कर रहे हैं बिहार की जनता, बिल्कुल सबको गुमराह कर रहे हैं ये। NRC होगा, जब तक ये मौजूदा सरकार बीजेपी की रहेगी NRC होगा, इनके जो कि इनका अडिग जो कि विश्वास है NRC गवर्नमेंट का है, NRC लाने से पहले इन्होंने CA को जो कंप्लीट किया, CA आ चुका और संविधान कानून बन चुका, अब उसका सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय करेगा कि ये वैधानिक है या नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली में जो हिंसा हुई है इसका कहीं ना कहीं असर बिहार चुनाव पे भी पड़ेगा, आप कैसे? देखिए दिल्ली देश की राजधानी, बड़े शर्म की बात है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा हिंसा हो जाना और लगभग 46 लोगों को मर जाना, इतने जो है कि घर मकान जमीन जायदाद जो धन दौलत का जो है रुपये पैसे की जो बर्बादी तबाही मचा देना, ये पूरे भारत के लिए जो है कि एक शर्मनाक बात है, और इसका असर प्रदेश के आने वाले जितने भी प्रदेशों में चुनाव होंगे सब पे आएगा। कल अमित शाह की रैली थी और वहाँ पर फिर नारा दोहराया गया, देखिए नारे लगना बंद नहीं होंगे, समझे? इस नारे की शुरुआत जब के ऊंचे स्तर पे बैठे हुए नेता लोग
केंद्रीय मंत्री जो है वो अनुराग ठाकुर कौन है, वो जबकि उनके सामने लगता है, बड़े बड़े मंत्रियों के सामने लगता है, तो नारा रुकना बंद नहीं होगा। इस नारे को हमारी देश की उच्चतम न्यायालय ही बंद कर सकती है और कोई नहीं बंद कर सकता। लोग कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय तो दबाव में काम कर रही है। नहीं, उच्चतम न्यायालय कुछ दबाव में काम नहीं, ऐसा कहना लोगों का खुद से उच्चतम न्यायालय पे अपने आप का विश्वास उठा देना है। एक भारत के अंदर एक यही संस्था बची हुई है जिसपे हम कहते हैं सारे भारत के लोगों को विश्वास करना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय न तो किसी दबाव में है न दबाव में आने वाला। मैं इतना कहूँगा कि उच्चतम न्यायालय में थोड़ी कुछ समस्या होगी टेक्निकल, उनके जो है कि देने में निर्णय लेने में थोड़ा देरी होगा, लेकिन वो उचित निर्णय लेगा। जनता कैसे विश्वास करे, खुद न्यायालय के जज जो है वो आगे पीसी करते हैं। देखिए, कुछ मैंने कहा ना कि उनके अंदरूनी कुछ हालात कुछ ऐसे मामले थे, उन्होंने आकर के जनता के बीच में अपनी दर्द को रखा, अपने बयानों को रखा। इससे पहले भी जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा निर्णय दिया, उन्होंने कई केसों को निपटाया और ऐसे ढंग से इतने प्यार से निपटाया कि देश में कहीं भी अशांति नहीं फैली, सब लोगों ने उसका उनके निर्णय को मान लिया। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग होते हैं बीच में, तो उनकी बातों में देश की जनता को नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलेगा।